हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मानसून के बाद घूमने का मजा ही कुछ और होता है। मानसून के बाद स्टेशनों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ऐसा ही एक शहर है कोडाइकनाल। इस मौसम में आपको यहां खूबसूरत नीलकुरिंजी के फूल देखने को मिलेंगे, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है। अगर आप इस समय में साउथ में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कोडाइकनाल जरूर जाएं। नीलकुरिंजी के फूल इससे पहले 2006 में खिले थे और इसके बाद यह फूल 2030 में खिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने यह फूल अभी नहीं देखे तो इसके बाद यह फूल 2030 में ही देखने को मिलेंगे। हल्के नीले रंग के इन फूलों के कारण कोडाइकनाल की पहाड़ियां चारों तरफ से नीली नजर आती हैं। चारों ओर फैला यह नीला अद्भुत नजारा देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। नीले दिखने के कारण फूलों का नाम नीलकुरिंजी रखा गया। नील का मतलब नीला और कुरिंजी का मतलब फूल होता है, इसलिए इसे नीलकुरिंजी कहते हैं। भारत और दुनिया भर से लोग इन फूलों को देखने के लिए यहां आते हैं। कोडाइकनाल के अलावा आपको यह खूबसूरत नजारा सिर्फ मुन्नार में देखने को मिलेगा। वैसे तो भारत में नीलकुरिंजी की 46 किस्में पाई जाती हैं, लेकिन कोडाइकनाल में खिलने वाले यह फूल शोला जंगलों वाली किस्म के हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। कोडाइकनाल के प्रिंसेस हिल्स का नजारा तो आपको बार बार यहां आने के लिए मजबूर कर देगा, लेकिन यह फूलों से सजी घाटी सिर्फ 12 साल बाद ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सोच क्या रहे हैं, इस बार ये फूल जरूर देख के आए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।